हे गाइस, आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एआई की मदद से अपवर्क के प्रोजेक्ट कैटलॉग्स किस तरह से बना सकते हैं विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स। अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों की बिडिंग की कॉस्ट बचती है, आप लोगों को कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, ज़ीरो कॉस्ट बढ़ती है बाकायदा। आपको बताया कि बिडिंग करने के लिए आपको 16 कनेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट $2। सो इस चीज़ के लिए बेस्ट अभी का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट करें। इससे क्या होगा कि क्लाइंट आपको खुद रीच आउट करेगा, आपको ऑर्डर प्लेस करेगा और आप काम कर सकते हैं। और इससे अच्छी बात यह है कि गूगल पे भी ये रैंक होते हैं, गूगल से भी आपको ट्रैफिक मिल सकती है। तो इस वक्त आप मेरी प्रोफाइल पे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर एक प्रोजेक्ट कैटलॉग दिखाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट कैटलॉग मैंने क्रिएट किए हैं, मैंने भी 20 के 20 क्रिएट करने हैं और एआई की मदद से मैं जल्दी कर सकता हूँ। रैंकिंग के फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंटली एआई उसको कवर कर रही है, जिसमें कीवर्ड की डेंसिटी, टाइटल कैसा आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से एआई ने हैंडल की हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें टाइटल होता है, प्राइसिंग टियर की इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, FAQs हैं, प्रोजेक्ट स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको जो है वो हमें ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करने के लिए। तो अगर अपने क्रिएट करने आप आ जाएंगे आप अलर्ट्स की वेबसाइट पे, यहाँ पर आने के बाद आप जाएंगे लेफ्ट पे AI टेम्पलेट्स में। AI टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपने अपवर्क वाला सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएटर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर ये कुछ फील्ड्स आ रही हैं, इन फील्ड्स में आपने इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है कि आपका जो अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग होगा उसमें आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जो क्रिएट करने हैं उसमें मैंने बताना है कि मैं AI के रिलेटेड ऐप्स डेवलप करूँगा, AI ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड है, AI SaaS ऐप डेवलपमेंट और इस तरह की मेरी सर्विसेज हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप अगर वेबसाइट्स बना रहे हैं, एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं, आपने अपना एक सिंगल टॉपिक, एक प्रोजेक्ट कैटलॉग में सिर्फ आपने एक ही सर्विस के बारे में बताना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं डिज़ाइनिंग भी कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, मैं एलिमेंटर भी चला रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं। आपने सिर्फ स्पेसिफिकली एक टॉपिक के रिलेटेड ही आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करना है और उसके रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। नेक्स्ट है कीवर्ड। आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जिसके ऊपर आपने अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग की रैंकिंग करवानी है। जैसे कि मैंने अपनी रैंकिंग करवानी थी AI इंटीग्रेशन और AI ट्रांसफॉर्मेशन के कीवर्ड पे, तो मैंने वो वाले कीवर्ड यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन। आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग में 3 प्राइसिंग टीयर्स होते हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, एडवांस पैकेज, तो उसके आपने टाइटल्स और प्राइसिंग बतानी होती है। तो आपने अपने बेसिक पैकेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देनी है, तो इससे ये होगा कि ये बिल्कुल आपके जो बाकी पैकेजेस हैं उनकी प्राइसिंग खुद डिसाइड कर लेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट किया है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ इसी टूल से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ये क्रिएट करके देता है। स्टेप 1 पे ये टाइटल्स क्रिएट करके दे रहा है, स्टेप 2 पे ये डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे रहा है, सर्च टैग्स मिल रहे हैं आपको, प्राइसिंग टीयर्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्टार्टर टीयर, स्टैंडर्ड टीयर, उसमें बाकायदा आपको टाइटल भी दे रहा है, AI इंटीग्रेशन कंसल्टेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, फुल स्केल AI डेवलपमेंट, एंड ऑन्स, रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपने इस इन्फॉर्मेशन को अपवर्क पे जाकर एक नया जब आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करना है उसमें आपने ऐड कर देना। इससे आपका वक्त भी बचेगा और आपके इनकम के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। अच्छा, अब आपसे मैं बात कर लेता हूँ प्राइसिंग के ऊपर, इसकी प्राइस क्या है। इसको अगर आपने यूज़ करना है तो आपको 5 AI क्रेडिट्स यूज़ करने पड़ते हैं और 5 AI क्रेडिट्स $1 में मिल जाते हैं आपको, $0.99 में। तो अगर आप देखें आपका $20 के अंदर, इवन इससे भी कम, आपके 20 के 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट हो जाते हैं और आप ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको सिर्फ जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है आपकी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग की इमेजेस, आपने उनके ऊपर फोकस करके अच्छी इमेजेस बना के पब्लिशिंग कर देनी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। AI को यूज़ करके हम अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं और आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।